हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन फ्लेवर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी बनाना है। ये हम ज़्यादातर फेस्टिवल्स में कद्दू की सब्ज़ी के लिए पहले हमें पीला कद्दू चाहिए। मैंने हाफ के जी कद्दू लिया है और इसे मैं पहले छील रही हूँ। इसे इस तरह हाथों की मदद से हम पहले इसका छिलका निकालेंगे, फिर इसके अंदर वाला ये छिलका निकालेंगे। अब हम इसे बारीक बारीक पीसेस में देखिए काटेंगे। हमें अपने कद्दू को बारीक बारीक पीसेस में काट लेना है। देखिए, अगर ये ज़्यादा मोटा है तो हम इसे बीच से भी एक पीस करके फिर इसके पीसेस करेंगे। हम अपने कद्दू को काट लेंगे। कद्दू की सब्ज़ी के लिए हमें चाहिए कटे हुए कद्दू, कच्चा आम या अमचूर, बारीक कटी प्याज, हल्दी, लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, मेथी दाने, गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ी सी चीनी हम डालेंगे क्योंकि हमें खट्टी मीठी कद्दू की सब्ज़ी बनानी है। हम थोड़ी सी लाल मिर्च के पीसेस भी लेंगे। अब हम कढ़ाई ने गैस पे रखने के बाद इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। अगर हम अंदाजे से देखें तो हम 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। अब इसमें मैं गरम होने के बाद तेल मेथी दाने डालूंगी और मेथी दानों को थोड़ा सा सुनहरा होने दूंगी। अब मैं इसमें अपनी बारीक कटी हुई प्याज डालूंगी और इसे चलाएंगे। देखिए, हमारी प्याज सुनहरी हो चुकी है। अब इसमें हम अपना कटा हुआ कच्चा आम डाल देंगे। अगर कच्चा आम नहीं है तो आम अमचूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसे चलाएंगे। अब हम इसमें अपनी लाल मिर्च के पीस डाल देंगे। इससे भी हमारे कद्दू की सब्ज़ी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसमें अपना गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और चलाएंगे। मसाला हमारा कलर दे रहा है। अब मैं इसमें कद्दू डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिलाऊंगी। पूरे मसाले को अच्छे से कद्दू में मिला लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे प्लेट से ढककर 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे। बीच बीच में हमें चलाते रहना है कि हमारी सब्जी नीचे तो नहीं लग रही और कितनी पकने में अभी बची हुई है, ये देखने के लिए हम बीच बीच में इसे चलाएंगे। अब देखिए, इस समय चलाने के बाद फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। अब मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। और जब थोड़ा सा हमारी कद्दू की सब्जी पक जाएगी तो हम इसे चमचे की मदद से इस थोड़ा सा देखिए मैश करने के तरीके से इसको चलाएंगे। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ क्योंकि अब हमारा कद्दू पक चुका है। हम आप अंदाजे से कहेंगे तो 2 चम्मच हम चीनी डालेंगे क्योंकि हमने आमी भी डाली थी तो ये खट्टा मीठा स्वाद देगा। इसे अच्छे से चलाकर देखिए हमारी सब्जी ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसे मैं थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ दूंगी। 2 मिनट के लिए हम इसे छोड़ेंगे। इसे अच्छे से चलाएंगे और इसमें हरा धनिया डाल देंगे। दोस्तों, हमारी कद्दू की सब्जी तैयार है। देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है और पूरी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगती है। पूरी और पराठों के साथ हम इसे खा सकते हैं। त्यौहार पर इसे हम ज़्यादातर बना
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।